डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहु। जी डॉक्टर साहब, सिलसिला आपका जो था वो सोहरवर्दिया है, ज़रा थोड़ा तारुफ करवा दें हज़रत का, और सिलसिला सोहरवर्दिया क्या है? सिलसिला सोहरवर्दिया की निस्बत आपके शेख कामिल शेख शुयूख हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुर्शिद हज़रत अबुन नजीब अब्दुल काहिर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से है। अगरचे ये कस्बा एक कस्बे का नाम है, कस्बा सोहरवर्द, लेकिन इन रिजाल अजीम और सुलहाए उम्मत की वजह से ये सिलसिला शेख नजीबुद्दीन और हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से ये सोहरवर्दी सिलसिला कहलाया। ठीक। हज़रत गौसुल आलमीन बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की बैत है हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से, उनकी बैत है हज़रत शेख अब्दुल काहिर अबुन नजीब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से, और इसी तरीके से ये सिलसिला हज़रत जुनैद बगदादी हज़रत सिरी सख्ती हज़रत मारूफ करखी हज़रत असवद अहमद दिनोरी और जी ठीक है ऊपर सैयदना अली अल मुर्तज़ा से खुदा तक पहुंचता है। बसरी हो गया, आगे चले। हाँ, आगे चले। मौलाए कायनात आपकी आपकी तालीम और तरबियत कहाँ हुई? हाँ, मैं अर्ज करता हूँ हज़रत शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह सन 566 हिजरी में मुल्तान के करीब एक कस्बा कोट करोड़ में पैदा हुए। ठीक। आपके वालिदे गिरामी मौलाना वजीहुद्दीन मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह थे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिदे माजिद से हासिल की। ठीक। और अपने कस्बे के मुमताज़ उलमा से आपने अरबी और फारसी उलूम में इस्तेफादा फरमाया। जी। इसके बाद आपके वालिदे गिरामी मुल्तान तशरीफ लाए। मुल्तान में एक बहुत बड़े जैयद आलम दीन थे उस वक्त, मौलाना अब्दुल रशीद किरमानी, उनसे आपने तालीम हासिल की। हज़रत शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में ये अमर ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि आपने 7 साल की उम्र में 7 किरातों के साथ कुरान मजीद हिफ्ज़ फरमाया।